हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। इन द प्रीवियस टॉपिक आई वाज डिस्कस अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देर आर सो मैनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर देयर। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछे जाने वाला टॉपिक है, चाहे तो न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर डेरिवेशन होता है। नाउ लेट्स डू द रिलेशन। फॉर दिस वी आर कंसिडर ए सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज एट पॉइंट ओ। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर वाला पार्ट आप लोगों को लिखना होगा। कंसिडर ए सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट ओ। ठीक है, एक हमने ओ के ऊपर एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया है, तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर, देखते जाएं। नाउ ए प्लस वन यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट इंफिनिटी, किस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है? इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर। क्या है? एक प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड द सोर्स चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट। किसी भी कोई भी पॉइंट के अंदर अगर हम इस टेस्ट चार्ज को मूवमेंट करवाते हैं, तो इन दैट कंडीशन दिस सोर्स चार्ज क्रिएट देयर ओन फील्ड। दिस फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सोचने वाली बात क्या है कि ये भी प्लस चार्ज और ये भी क्या है? प्लस चार्ज है। वन प्लस चार्ज, अनदर प्लस चार्ज, दे आर सेम नेचर, दे आर रिपेल टू ईच अदर। तो मींस ये जो चार्ज होगा हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, दे एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ एफ ई। एफ ई मतलब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं टुवर्ड द सोर्स चार्ज। तो हेयर वी कंसीडर टू पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पे हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया। देयर विल ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ से डी आर, एक हमने छोटा सा डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया, और एक पी पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? एट ए डिस्टेंस ऑफ आर के इक्वल है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कि ए का डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये इन्फिनिटी पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट, इन दैट सिचुएशन क्या होगा हमारे पास? जैसे हम सोर्स चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, तो वी आर डूइंग एन एक्सटर्नल फोर्स विद द हेल्प ऑफ, वी आर मूविंग देन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल। द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर अपोजिट, दे आर इन सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों क्या होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, और डायरेक्शंस भी क्या होगी? अपोजिट होगी। इन द प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलेरेशन। डियर स्टूडेंट, विदाउट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? कि नेट फोर्स इज जीरो। तो नेट फोर्स की वैल्यू वहां पे क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ए से बी के अंदर मूवमेंट करवाते, देर आर डूइंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू बी, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डूइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दैट केस। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं। देन एक्सटर्नल फोर्स मूव्स ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो फोर्स कितना होगा हमारे पास? एफ फोर्स इज इक्वल टू, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज हमारे पास है उसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। देन एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई, देन एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई। और एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसके अपोजिट है?
इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे किस चीज का साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। याद रखें नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि एफ एक्सटर्नल इज अपोजिट टू एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन देयर विल बी ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dx। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे dx के इक्वल, देन dw इज इक्वल टू, dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू फोर्स कितना है, माइनस qEE Q नॉट इंटू ई इंटू में डिस्प्लेसमेंट इज dx। इसको इक्वेशन नंबर वन राइट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, जब हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं किसी भी एक चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए पॉइंट से बी पॉइंट अगेंस्ट द वर्क डन, ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना बना हमारे पास W। और बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है उसकी डेफिनेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा। अब यहां पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, तो ए ओ से ए का जो डिस्टेंस है और ओ से बी का जो डिस्टेंस है, ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, ठीक है, ओ ए जो डिस्टेंस है वो ओ बी से क्या है ग्रेटर है, तो इन सिचुएशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, वी बी पोटेंशियल इज ग्रेटर देन वी ए, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो इस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कम होगी, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, जो वी बी की वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा होगी, वी ए से ज्यादा होगी, तो देर विल बी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा वी बी माइनस वी ए, ये क्या हमारे पास है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि V इज इक्वल टू क्या होगा वर्क डन टू मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो बाई डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हमने क्या लिखा है क्यू नॉट, और इनटू में चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय डीवी, किसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसे डीवी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो देन डब्ल्यू इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज क्या लिखा क्यू नॉट, चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ डीवी, तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, वन वर्क डन गेटिंग फ्रॉम द फोर्सेज एंड सेकेंड वर्क डन गेटिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इक्वेशन, वी गेट क्या रिलेशन मिलेगा हमें, नाउ वी गेट अ रिलेशन माइनस क्यू नॉट ई इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में डी बी, ओके ई के ऊपर वेक्टर का साइन है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्यू नॉट आर कैंसिल ईच अदर, देन ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। देन द रोल ऑफ द नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इट्स मीन कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आर डिक्रीज, ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज
डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना होता है। एक नंबर का रिलेशन हमारे पास आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी राइट हेयर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसकी डायरेक्शन के अंदर आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अभी आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, इसी के अंदर ही बहुत सारे रिलेशन हमारे पास आने वाले हैं। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे, नोट करते रहें। ओके, तो मैं यहाँ पे जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर या डी एक्स, तो ये वेक्टर का साइन। और जो ये टर्म्स हमारे पास आई है डी वी बाई डी एक्स इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि देर आर चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ इन रिप्रेजेंट इन द अदर फॉर्म, वी रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म आल्सो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अगर हम इसको एक्स को आर से रिप्रेजेंट कर दें देन वी गेट इजिली ऑफ पार्ट। तो वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर प्लस ई जेड वैक्टर। तो सेम एज इट इज पोजिशन जो होगी हमारे पास, पोजिशन को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, पोजिशन इज इक्वल टू एक्स वैक्टर प्लस वाई वैक्टर प्लस जेड वैक्टर। नाउ ई की जगह हमने लिखा ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर प्लस ई जेड वैक्टर, और इसी प्रकार से इस पोजिशन को भी लिखेंगे। देन टू राइट नेगेटिव साइन डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी जेड। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ई एक्स इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आगे चल के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बनने वाला है। ठीक है, तो वाई को क्या लिखेंगे, ई वाई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी वाई, और इसी प्रकार से हम जेड वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, E z इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। तो हम इसको पोटेंशियल की वैल्यू को थ्री कोऑर्डिनेट के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की फॉर्म में भी इसको रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम इट, ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा हमारे पास, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैसे किस प्रकार से इस चीज को सोल्व करेंगे वो चीज आप लोग देखें ध्यान से। तो जो रिलेशन हमारे पास है वो है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, हमें रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के अंदर। तो क्या करेंगे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू में डी आर, ऐसे राइट कर लेंगे। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या देखते हैं कि देर आर पोटेंशियल आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर इफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो तो डी आर और डी वी के बीच में एक रिलेशन बनता है। नाउ वी फाइंड आउट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन, ठीक है,
फॉर पोजिशन, फॉर ए गिवन पोजिशन, अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है प्लस क्यू एट पॉइंट ए के ऊपर, तो दैट इज द पोजिशन फ्रॉम दिस इज आर वन, तो वेयर इज पोटेंशियल इज वी वन, इस पोजिशन के ऊपर एट पॉइंट पी के ऊपर, एट पॉइंट पी पोजिशन इज आर वन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी वन. ठीक है. नाउ सेकेंड पोजिशन अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पोजिशन के अंदर ये पोजिशन होगी हमारे पास पॉइंट होगा Q, पोजिशन होगी R2. टू एट पॉइंट Q इज R2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V2. ओके, तो देर आर टू पोजिशन, देर आर टू पोटेंशियल आर देयर, कि वन इज V1, सेकेंड इज V2. नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड of equation one, we get क्या relation मिलेगा, वो relation हम देखते हैं. then dv is equal to minus e into me dr, value हमारे पास है v1, ये value है v2, position है r1 और ये position हमारे पास है r2. इस प्रकार से हम इस relation को भी derive कर सकते हैं, कि जो हमारे पास relation given है वो value find out कर सकते हैं. ठीक है, आगे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो dv का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास v, ये होगा v1 टू v2, इसको सिंपली ऐसे ही राइट कर सकते हैं, माइनस r1 टू r2 e इंटू में dr, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन r1 टू r2 e वेक्टर इंटू में dr. ठीक है, इस पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू भी हम इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं. आप लोग देख सकते हो कि रिलेशन से हमने किस प्रकार से एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. अगेन फिर मैं बार बार उसी पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल आर डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द लास्ट रिलेशन हमारे पास आया, क्या रिलेशन आया, रिलेशन आया वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू आर वन टू आर टू ई इंटू में डी आर. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जो चार्ज है उसकी इनिशियल पोजिशन एट इन्फिनिटी हो, ठीक है, इनिशियल पोजिशन एट इन्फिनिटी मीन्स आर वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी के इक्वल, अगर R1 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास V1 की वैल्यू होगी इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो. कैसे, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है ना, हमें सभी को हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो इन सिचुएशन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज के क्यू बाई इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी पॉइंट. सेकेंड, सेकेंड पार्ट, एट फाइनल पोजिशन, जो फाइनल पोजिशन हमारे पास है, फाइनल पोजिशन जिसको हमने कंसिडर किया आर टू इज इक्वल टू आर, देन वी टू इज इक्वल टू वी. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है उस सिचुएशन के ऊपर, जो ये सिचुएशन दे रखी है, देन वी गेट द रिलेशन, क्या रिलेशन मिलेगा हमें, वी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनिशियल infinity to a final position is r e into me dr. ठीक है, तो v is equal to minus infinity to r e into me dr. तो ये relation होगा, ये relation आगे चल के बहुत सारे numericals में काम आएगा, जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि v is equal to minus infinity to r के equal. Let's do one more numerical. Now let's do two numerical on this topic. Now the first numerical is to find electric field. क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है between two plates. दो कोई भी plates given है, और इन दोनों plates के बीच में क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Plates are 3 mm apart. दोनों से कितनी दूरी हैं, दूरी के ऊपर है, प्लेट वन और प्लेट टू, दे आर 3 mm अपार्ट, कनेक्टेड टू ए बैटरी,
दीज आर कनेक्टेड विद ए बैटरी, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है. वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, दे आर कनेक्टेड विद अ 12 वोल्ट बैटरी. ठीक है, तो एक साइड में हमारे पास क्या होगी, जो बैटरी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये प्लेट कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर गिवन है जो मैंने अभी बनाया है, कि हमारे पास प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है कितना डी, दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रखा है, कितना अप्लाई कर रखा है, पोटेंशियल जो हमारे पास है वो है 12 वोल्ट पोटेंशियल. तो डायरेक्ट एक रिलेशन हमारे पास है कि वी नो दैट, क्या हमें पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय माय डिस्टेंस. ठीक है ना, E इज इक्वल टू वी बाई डी. तो फाइंड आउट कर सकते हैं E इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट. ये कितना है, 3 mm. mm इज कन्वर्ट इनटू मीटर, तो देन मल्टीप्लाई बाय 10^4. तो 3 × 10^4 कितना, -3. ये कैंसिल्ड आउट बना कितना, 4. ये ऊपर जाएगी पॉजिटिव, तो 3 0 और लगा दो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, यूनिट क्या होंगी, वोल्ट पर मीटर के इक्वल. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सिमिलर साइज क्वेश्चन है. कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड, वेरी गुड. पहले ही पॉइंट में हमें पता चल गया हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. आप क्वेश्चन जब भी करते हो तो इसी प्रकार से किया करो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, आप उस सिचुएशन को देखो और लिखते जाओ क्वेश्चन. 50% आपका इसी पार्ट के अंदर, स्टेटमेंट को समझते ही 50% सोल्व हो जाता है, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं होता. बैलेंसिंग ए ड्रॉप, बैलेंस ए ड्रॉप, बैलेंस बैलेंस करती है सिचुएशंस, देखो बैलेंस कर रही, ड्रॉप बैलेंस कर रही, कैरिंग ए 10 excess इलेक्ट्रॉन. ओहो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10. माइंड में चला गया 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बोलो तो कितना, 1.6 × 10^-19 कूलम. ओके, तो 10 में कितना होगा, टोटल चार्ज कितना हुआ, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल चार्ज के लिए, तो क्वांटाइजेशन लगा दो सर, Q इज इक्वल टू एन ई. तो 10 × 1.6 × 10^-19, तो ये कितना बना, 1.6 × 10^-18 कूलम. वेरी गुड, देखा, दो चीजें पढ़ते ही चीजें सोल्व होने स्टार्ट हो जाती है. वेल लोकेटेड बिटवीन द प्लेट, क्या लोकेटेड, ऑयल ड्रॉप जो है, जो ऑयल ड्रॉप है वो किसके बीच में है, प्लेट्स के बीच में है, प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. वेरी गुड, बना दो. एक क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है, चलो थोड़ा सा कलर्ड कर लेते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट. दूसरी कौन सी होगी, नेगेटिव प्लेट, विच आर 5 mm अपार्ट. अगेन फिर पॉइंट देखें, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ, दोनों के बीच का सेपरेशन हुआ 5 mm. देन mm इज कन्वर्ट इनटू मीटर, देन मल्टीप्लाई बाय 10^-3. द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, वेरी गुड, मास भी गिवन, लिख लो भाई यहाँ पे, m इज इक्वल टू 3 × 10^-16 किलोग्राम. जो आपकी ऑयल ड्रॉप है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, तो इसका मास कितना दिया गया, m. तो इस सिचुएशन में इसका वेट जो होगा वो किस तरफ होगा, W इज इक्वल टू एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, अगर हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये कौन सी होगी हमारे पास, नेगेटिव प्लेट. तो ड्रॉप अगर डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, अपोजिट होगी, ऊपर की तरफ होगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ और जो वेट है वो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो इसको इक्वेट करेंगे तो F इज इक्वल टू Q × E. दिस प्रोवाइड ए F इज इक्वल टू mg. ठीक है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहां पे करते हैं इसी सॉल्यूशन को, ठीक है, यहां से लाइन को साफ कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है. बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू mg के इक्वल. फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. तो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे देखो, रिलेशन है E इज इक्वल टू V बाई डी.
तो क्यू इंटू में वी बाई डी इज इक्वल टू एम जी, देन वी इज इक्वल टू एम जी इंटू डी बाई क्यू, वैल्यूज पुट कर दो बस और कुछ नहीं करना। वी इज इक्वल टू मास कितना गिवन है, 3 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 16, जी की वैल्यू 10, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 5 mm, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, डिवाइड बाई चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18। ओके डेसिमल रिमूव कर दो, ऊपर 10 चला गया, इसको ऊपर लेके जाओ प्लस में 18 हो गया, ये बना आपका 3 5 15 15 बाई 16, इसको ऐसे लिख लो। अब पावर ऑफ 10 को सोल्व करते हैं, 18 और 1 19 और ये भी 19, क्या हो गए, कैंसिल्ड आउट हो गए। ओके ये कितना बचा 10, यहाँ पे लिख दो कितना बन गया 150 बाई 16, कितना वोल्ट पर मीटर। और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैंसिल्ड आउट कर सकते हो इस चीज को। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 है। रिलेशन अगर याद है, फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो यू कैन सोल्व इजिली दिस पार्ट। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं फॉर प्रैक्टिस के लिए। नाउ द स्टूडेंट्स दीज आर द 4 क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए वैसे आप लोग इजीली इन 4 क्वेश्चन को भी उसी मेथड से उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेकंड में हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। थर्ड में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और फोर्थ में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन हमारे पास बताना है कि देर आर 4 क्वेश्चन आर गिवन, यू फाइंड द आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।